कौन हैप्पी? अरे मेरा भाई। ओ हाँ, तुम्हारा भाई याद आया। होगा कहीं बैठल उठल बाहर गलियारा लियारा में। तुम उसको बाहर ही छोड़ दिए। तो क्या कर रहे हो, गोदिया में लेके लटके ले चले? हाँ होबा होबा है क्या कबूतरू? कच्चे का एग्जाम था, पढ़ के लगता है झोरे लगाएगा। आई दी है, रू अफजा दी है, पानी दी है। अब पानी तुम कहाँ से? नल वाला दी हो ना जी? नल वाला क्यों पिएगा मेरा भाई? आरो में पैसा नहीं लगता है? आरो का पानी पिला रही हो? भगवान, तुम पागल हो गए हो क्या? आ? तुम क्या बात कर रहे हो? इसका शरीर है आरो का पानी पीने लायक? क्या बोला तूने? तो अपने भाई का खातिरदारी नहीं? सुन लो, रात में भुरकुंडा और रोटी खाएगा। सत्तू का भुरकुंडा और रोटी, उसके अलावा अगर कुछ है। ये भगवान क्या जुलुम है? अरे ये तो बेशरम है, लेकिन तुम्हें तो शरम होना चाहिए ना। भाई को बेशरम क्यों? क्या होली तक रुकेगा यहाँ? होली खेल के जाएगा, मतलब होली का खस्सी खा के जाएगा। ये देखे में सुखल साखल लगता है, लेकिन खाए में तो अच्छा अच्छा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तुम पागल हो गए? वो अपनी बहन के घर में आया है तो उसको क्या मतलब सोने और पढ़ने का दिक्कत होने लगा? देखिएगा अपने आप को, देख रहे हो कितना फिट रखता है? ये नहीं है अदरक नहीं है कि कहीं से भी बड़ा है, बढ़ते जा रहा है। तुम हमको बोल रहे हो अदरक? हम तुमको आज के बाद अभी से ना अगर तुम बात नहीं हो ना तो तुम समझ जाना। सुन लो बाबू, चलो ठीक है, तुम यहाँ पे क्या करोगे रह के इसके साथ में? चलो बाहर लेके जा रहे हैं इसको, क्या करेगा यहाँ पे? Hey family, welcome back to our channel, Sonal Suhan Blog. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे हैं, हम लोग भी अच्छे हैं। तो आज मैं प्रैंक बनाने के मूड नहीं था, लेकिन कहते हैं ना कि खुद ब खुद समय ऐसा होता है कि प्रैंक अपने आप मेरे पास आ गया। अभी कॉल आया था मुझे सोनल का कजन जो चचेरा भाई है, वो आने वाला है, उसका यहाँ एग्जाम पड़ा था, एग्जाम खत्म हो गया। तो उसने मुझे कॉल किया कि जीजू आधे रास्ते में हम आ गए हैं, आसपास मेरे घर के पास में ही वो आके खो गया है, उसको मतलब दूसरा बार आ रहा है तो उसको आइडिया नहीं एड्रेस का। तो अभी हम जा रहे हैं उसको रिसीव करने, और नीचे जाके उसको उसका मैंने सोचा क्यों ना प्रैंक कर ले। प्रैंक ये रहेगा सोनल के सामने उसके रिलेटिव का, उसके चचेरे भाई का, कज़न का, इतना मतलब मजाक उड़ाएंगे, इतना जलील करेंगे कि मतलब समझ रहे ना सोनल को कैसा फील होगा, मतलब अंदर से वो टूट जाएगी कि अरे यार मेरे परिवार वालों का पूरा मजाक। क्योंकि आपको पता है ना जो पत्नी जो शब्द होता है ना, पत्नी क्या चीज़ होती है ना, कि अगर मजाक में छोड़ दीजिए, कैसा भी स्टेज में रहिए, मूड में रहिए, उसका घर वाला मायके वाले के बारे में उसके बोल दीजिएगा ना कुछ आप, तो खा जाएगी आपको। तो यहाँ तो हम पूरा उसको खातिरदारी करेंगे, जलील करके बैठते उठते उसका नाक में दम कर देंगे उसके भाई का, और उसको अपने साले साहब को हम मिला लेंगे। हम प्रैंक आपके साथ करेंगे, आप मत बोलिएगा। तो देखते हैं सोनल का रिएक्शन क्या था। चलो तो गाइस अभी हम अपार्टमेंट के नीचे आ चुके हैं, और मेरा जो कज़न साला है और सोनल का भाई, वो आसपास ही कहीं भटक रहा है। तो चलिए उसको लाते हैं और बाहर चलते हैं। चलिए चलते हैं, देखते हैं कहाँ पे अटका हुआ है, लेके आते हैं उसको, उसको सारा सीन हम समझा देंगे क्या करना है। तो देखिए आगे हम आ गए हैं। क्या कहाँ भटक गया था? इधर ही घूम, पता नहीं पास ही में तो था, इधर ही घर, पता नहीं चल रहा उधर से आ रहा था ना। तो गाइस देखिए हम लोग, हमको मिल गया ये, और अभी इसके साथ सारा सेटिंग कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, ठीक ना। तो गाइस फाइनली हमारे साले साहब आ गए जो सोनल के कजन भाई हैं, और आया है एग्जाम देने। एग्जाम देखो आप देख सकते हो अभी आ ही रहा है। एग्जाम हो गया, एग्जाम हो गया है, और आज इसको स्टे करना है। तो लेकिन हम ना होता है ना कि ससुराल का मजाक उड़ाना, पूरा उड़ाएंगे, और देखते सोनल का रिएक्शन क्या होता है। वो रोने लगती है, चिढ़ जाती है, हमको मारेगी, क्या करेगी, एकदम अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन रहेगा। चलिए देखते हैं, और चलिए ऊपर कैमरा वैमरा हम लगा दिए हैं, और सब समझ गया ना क्या करना है, सारा इनको समझा दिए सेटिंग। चलिए A few moments later. तू मेरी है। हैप्पी को कहाँ छोड़ दिया? कौन हैप्पी? ओह नो, अरे मेरा भाई। ओ हाँ, तुम्हारा भाई याद आया। होगा कहीं बैठल उठल बाहर गलियारा लियारा में। बाहर ही छोड़ दिए। तो क्या कर रहे हो, गोदिया में लेके लटके ले चले? हाँ होबा होबा है क्या कबूतरू है कि टांग ले रहे हैं गलवा में? तुम्हारा भाई आया तो आया, तो क्या करें, माथा बैठा के एकदम सत्कार करें क्या? क्या सोचेगा हाँ? क्या आया है अपनी दीदी के घर में, और जीजा उसको ऐसे ही जीजू एकदम बाहर बैठा ना। तो दीदी के घर में आया तो ऐसे थाल लेके आरती उतारे। तुम्हारा भाई लग रहा है लाट साहब हो गया, आया अपना काम से, आया मेरे लिए क्या मलगोवा लेके आया है जो हम उसका खातिरदारी करें? घर में कोई भी गेस्ट आता है ना, उसका ना थोड़ा सा ना मतलब रिस्पेक्ट करना चाहिए, समझ में आया ना? हम उसको डंटा मार रहे हैं, आराम से आके बैठा ले अपना। हम तो क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? हाँ क्या कर रहे हो? उसको हॉल में छोड़ के अपना आराम से यहाँ पे फोन देख रहे हो? तो बेडरूम में कैसे उसको घुसा लेंगे हम? बुलाओ ना बच्चों, क्या सोचे? A few moments later. बैठो ना, बैठो।
तो उधर बैठो खसा के। कैसा गया एग्जाम तुम्हारा? अच्छा गया। अच्छा गया? बढ़िया। कच्चे का एग्जाम था? पढ़ के लगता झोरे लगाएगा। क्या झोर लगाएगा बोल रहे हो? हाँ तो याद से दे रहा है, 5-6 साल से दे रहा है। 6 साल से दे रहा है तो मेहनत तो कर रहा है ना। तुम्हारे घर में तो सब लड़का भी एग्जाम दे रहा है 5-6 साल से, बीपीएससी एसएससी एसएससी सेंट्रल का दे रहा है, तो कहाँ देखे कोई झोर लगा रहा है। पढ़न पूछ जो बना है सब इसका घरवा वाला, एक को अभी क्वालिफाई नहीं किया है, सब देख रहे बैग टांग के घूम रहे इन्हें उन्हें। मजा आया एग्जाम दे रहे, क्या कर रहे हैं तो एसएससी, क्या कर रहे हैं तो रेलवे। लग रहा है कि मोदी जी आके घर में आके नौकरी दे देंगे सबको। पढ़ाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है, कभी ना कभी निकाल ही लेगा। हां वो कभी ना कभी ना 50-60 साल के बाद आएगा जिसमें आदमी बूढ़ा हो जाएगा। कभी ना कभी भाई निकालेगा ना, तब तुमको पूछेगा। ठीक है, बड़ा जो तुम बोल। हां तो लगता है निकालेगा तो इसका तनख्वाह मेरे अकाउंटवा में आएगा, तो हमसे कल पूछोगी? पूछना उससे, बेचारा थक हार के अपने आया है, जा रहे पानी ला रहे। ठीक है, थक कर क्या लगता है कि पैदल चल के आया है? क्या मतलब है तुम्हारा, क्या मतलब है तुम्हारा? तो मार का रही हो भाई के सामने, बेइज्जत कर रही हो हमको। तुम क्या कर रहे हो, क्या हम कर रहे हैं? कुछ भी हम जा रहे हैं। ठीक है, आराम से बैठो भाई तुम, अच्छे से। ठीक है, हम ला रहे हैं अपना पानी, पियोगे चाय जूस पियोगे? ठीक है, लेके आते हैं। लगता है तरासले आया है, एकदम तरासले आए क्या कि इतने सब पानी जूस सब मुंह में डाल दो उसका पटक के। बेचारा एग्जाम दे के आया है, थक गया होगा तो तरासले। यही तो वो एग्जाम दिया है पूरा ऑल ओवर इंडिया में। आओ तो बुतरू बच्चा एग्जाम दे, ये ना रोड पे लगता है आते साथ मुंह में पानी उछल रही हो, पानी के साथ जूस भी उछल रही हो। अरे वाह रे वाह, यही वो पढ़न पूछ जन्म लिया, यही तो है वो। और दुनिया में कोई लड़का पढ़ने वाला है क्या? तुम पढ़ाई लगा के बैठे हुए हो, आया नहीं कि एकदम क्वेश्चन आंसर एकदम खेल रहे हो। आया नहीं कि एकदम आवो भगत शुरू हो गया इसका। कोई घर से आता है ना, एक तो महीना में 5 गो आदमी आएगा, कभी कोई आ रहा है, कभी कजन आ रहा है, कभी ममेरा, कभी फुफेरा, दुनिया का सब परिवार इसका मियाँ का दौड़ मस्जिद बना दिया है। ये क्या है, ये महीना में तीसरा बार आ गया है, लगता है मियाँ का दौड़ मस्जिद है। जब आएगा यहाँ तो यहीं आएगा, और होटल उटल नहीं है धरती पे। क्या बोला तूने? पागल हो गए हो क्या? इनके बात पे ना एकदम ध्यान मत देना। ठीक है, ये मेरा घर है, ठीक है, तो तुम्हारा भी घर है। अपने जीजू के बारे में ना इनका बोलते रहे। हाँ, दिमाग ऐसे अपना ठिकाना है तुम्हारा की इसको भी घर बुक करवा रही वाला बाबू का अटारी है ना तुम लोग का। क्या ठिकाना है बोल रहे हो तुम? तुम्हारा ठिकाना है यहाँ रहने का, जो इसको भी तुम बोलियो इसका घर है। लगता है तुम दोनों का बाऊ का टारी हो रहा है। कि किसी को भी बोल दो कि तुम्हारा घर है, मेरा कमाई का घर है मेरा। गलत फहमी मत जियो कि तुम्हारा घर है इसका घर है। बड़ू हक से बोल रही हो कि यहाँ रहो। जाने वाले हो ना जी तुम? आज क्यों जाएगा, ये रहेगा, इसकी अपनी दीदी के घर में आया तो तुमको क्या इतना मिर्ची लग रहा है? क्या ये आज रुकने वाला है? हाँ आज क्या, अभी रुकना भाई। ठीक है तो रुकिया, तो फिर खाना वाना भी खाएगा रात उठ में। तू अपनी बहन के घर आया तो हम बना के खिलाएंगे, तो तुमको इससे क्या मतलब है? यार पैसा वैसा लगता नहीं है सामान उमान लाने में। अब सुनो, अगर बना के खिलाओगी ना तो मिर्चाई का गुंडी, नमक और रोटी, इससे ज्यादा नहीं खाना। पागल हो गए हो क्या? सुनो ना, इससे ज्यादा खाना नहीं बनेगा। तेल मसाला का तेल बहुत महंगा हो गया है, समझ रही हो? 200-300 रुपए सरसों का तेल है और नारियल का तेल। मिर्चाई का लाल वाला गुंडी, ललका मिर्चाइया, नमकवा और रोटिया और लहसुन में गुड़ के, यही खाना है। तब रहना है तो भाई रहो, होटल चल जाओ। इनके बात पे तुम ध्यान मत देना, इसका मजाक करने का आदत है जी। बैठो आराम से भाई, हम ला रहे हैं। ठीक है, इनके बात पे ध्यान मत। ये देखो ना, इतना छोटा साला आया हुआ है तो बेचारे का सत्कार करना चाहिए। तो ये अरे आराम से क्या, लेट जाओ ना, लेट जाओ, ओढ़ लो बिछौना, आराम से हम ही चल जाते हैं बाहर। तो देखिए ये लो भाई, आराम से लेटो। ठीक है, आराम से बैठो। ये नहीं कि छोटा साला आया हुआ है तो इसके साथ कौन बनेगा करोड़पति खेल रहा है। छोटा साला है तो गोदिया में लेके घूमते रहे सबको, है कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं। इसके बाद पे तुमको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, तुम बैठो आराम से, हम आ रहे हैं पानी और जूस लेके। पानी और जूस लेके बाबू जी, लगता है इसका जूस रख के गया यहाँ। जूस लेके आई बीजी ससुराल से मायके से 10 बोतल जूस लेके। अब देखिए सोनल का रिएक्शन, अब धीरे धीरे वो शॉर्ट टेम्पर हो रहे हैं, महाभारत होने वाला है। A few moments later. लो पानी है और शरबत है। वाह, बहुत अच्छा खरीदारी हो रहा है। मतलब बैठा नहीं है कि अभी हॉल में चाय पिला दी, पानी दे दी, शरबत दे दी। अच्छा तो पानी भी नहीं पीने दे सकते हो?
देखो ना एलम लगता है सब तुम्हारे घर का ना हर आदमी दलिदर है, मतलब बैठता नहीं ना है कि तुम बन जाती हो बारबेक्यू नेशन की सेफ, परसले जा रही हो। अभी चाय दी है, रू अफजा दी है, पानी दिए। अब पानी तुम कहाँ से, नल वाला दी हो ना जी? नल वाला क्यों पिएगा मेरा भाई? आरो में पैसा नहीं लगता है, आरो का पानी पिला रही हो? भगवान तुम पागल हो गए हो क्या? आ? तुम क्या बात कर रहे हो? इसका शरीर है आरो का पानी पीने लायक? इसका शरीर है आरो का पानी पीने लायक? क्या बोला तूने? क्या बात कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है? क्या क्या बात कर, आरो में बिल नहीं उठता है, बिल तुम्हारा बाबू भरेगा। मेरे पापा पे तुम जा रहे हो? पापा पे नहीं जाएंगे तो किस पे जाएंगे, कहाँ पे जाए? तुमको हुआ क्या है, तुमको हुआ क्या है? अरे छोड़ी छोड़ी छोड़ी, अरे देख रहे हो कैसे कर रहे हैं? दिमाग नाम का चीज नहीं इस आदमी के पास, दिमाग नहीं क्या है से क्या बोले जा रहे? मतलब लगता है बारबेक्यू की सेफ बन गई है, पर इतना तो हमको जिंदगी में शादी के बाद खिलाई पिलाई हो, इतने साथ चाय पिला दी, हॉल में पानी पिला दी, आओ क्या प्लानिंग है आपका? तो अपने भाई का खातिरदारी नहीं, सुन लो, रात में भुरकुंडा और रोटियां खाएगा, सत्तू का भुरकुंडा और रोटी, उसके अलावा अगर कुछ एक खाना बन गया ना जिसमें तेल मसाला अगर मेरा कढ़ाई में चल गया ना भाई, सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी हम घर छोड़कर भाग जाएंगे। तुमको जहाँ जाना है जाओ, ठीक है? ये मेरा भाई भुरकुंडा क्यों खाएगा, क्यों खाएगा सत्तू? तको जी फालूदा खिलाओगी? हाँ तो नहीं तो क्या, तो नहीं तो क्या, लगता है बाऊ रख के गया है इसका सब कुछ, और रू अफजा पिला रही हो, लगता है शादी के बाद 5 बोतल रू अफजा का लाई थी घर में, 1 रुपया तिलक दी हो, 1 रुपया तिलक दिया, इन लोग शादी में खाली देख रहे थे, मेरा शादी में घूम घूम के खा रहा था इन लोग, 1 रुपया इसका पापा, तुम्हारा पापा कोई तिलक नहीं दिया है। शादी में आदमी खाएगा नहीं तो क्या करेगा, क्या करेगा, मुंह देखेगा एक दूसरे का? फिर भाई नहीं आया, लग रहा है एकदम यहाँ पे लगता है कि बारबेक्यू नेशन बना दी है। तुमको क्या चिढ़ हो रहा है, तुमको क्या चिढ़ हो रहा है, क्या पके जा रहे हो? दिमाग नाम का चीज नहीं है तुम्हारे पास? दिमाग देखो तुम्हारी बहन कैसी संस्कार वाली है, देखो मार रही है पति को, मार रही है। मजाक कर रहे हो क्या? मजाक कर रहे हो? अरे ये तो बेशरम है, लेकिन तुम्हें तो शर्म होना चाहिए ना। अरे ये तो बेशरम है, लेकिन तुम्हें तो शर्म होना चाहिए ना। गजब बेइज्जती है। मेरे भाई को बेशरम क्यों बोल रहे हो, क्यों बोल रहे हो बेशरम? अरे सुन, दिमाग खराब, आज रुकना, आज रुकना है क्या, कि जाओगे? हाँ नहीं भाई अभी रुकोगे, ठीक है? होली एकदम दो तीन दिन में होली है, होली तक आराम से हाँ, तो क्या होली तक रुकेगा यहाँ? होली खेल के जाएगा, मतलब होली का खस्सी खा के जाएगा ये। इसको सुगन बता दियो जी क्या घर उर में कि सुहान खस्सी काटने वाला है होली में, मतलब सबको न्योता दे दियो, और भी आने वाला है साला वाला तुम्हारा भाई। अरे होली में भी दिन ही कितना है? और सही, तुम्हारे घर में एक बार पता चल गया था बारबेक्यू नेशन जा रहे हैं, मम्मी पापा बहन, बहन का पति, भाई, दो भाई को ले चल गए, साला इतना घाघड़ नियन सब खाया, इतना घाघड़ नियन वहां खाया, बिल बन गया 20,000 रुपया। अब बोलती हूँ क्या, मेरे यहाँ तो सब दो दो पीस चिकन खाता है, खा के पूरा बारबेक्यू वाला साला बेटा अरबन सब देख रहा था कि सब 9 बज गया, बंद होने वाला था, लेकिन तुम्हारे घर का मुंह नहीं रुका, मुंह नहीं था, ना माँ का ना बाप का, ना यही आई देखे में सुखल साखल लगता है, लेकिन खाए में तो अच्छा अच्छा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तुम पागल हो गए, ये भगवान क्या जुलुम है, पागल हो गए हो? हाँ क्या चाह रहे हो तुम, कि ये अभी चला जाए? तुम यही फिराक में हो, अभी चला ये जाएगा तो इसके साथ हम भी जाएंगे, ये भी तुम सुन लो कान खोल करके, हमको छोड़ के चल जाओगी, तब समझ में आएगा तुमको, ठीक है? तो तुम क्या लगा के रखे हो, इतना बेइज्जती क्या कर रहे हो? बाप रे बेइज्जती कर रहे, साला को दो बात बोल दिए। सुहान तुम इतना फालतू क्यों बोल रहे हो यार, तुमको हुआ क्या है? वाजिब चीज बोल रहे हैं, जो सच्चाई वो बोल रहे हैं। वाजिब चीज बोल रहे हो? हाँ मेरा भाई आया हुआ है, तुम्हारे चेहरे पे तो एकदम खुशी नाम का कोई चीज नहीं दिख रहा है हमको। कब तुम्हारा घर वाला नहीं आता है, इस महीना में तीसरा बार आ चुका है एग्जाम के बहाने, एग्जाम पे एग्जाम दिए जा रहा है लेकिन क्लियर एक एग्जाम नहीं कर रहा है। अब बोलती हो कि मेरा घर वाला सब पढ़न पूत है, बड़का पढ़न पूत है। मेरा घर से कौन कौन आता है, इसका मतलब तुम काउंट करके लिखते हो? शादी के बाद इसका बाबूजी और माई बोला था कि इसको पढ़ाइएगा, पढ़ने में तेज है, साला 3 साल में लग पढ़ के झोर नहीं लगाई, और मेरे ही माथा पे बैठी हुई है, कमाते हैं हम खिलाते हैं, कहाँ देखे कि तुम बड़ी पढ़ने में तेज थी, वो IAS और BPSC और UPSC निकाल ली। देते हो पढ़ने के लिए तुम हमको, आप क्या बुढ़ारी तक पढ़ाते रहेंगे तुमको? एक ही पढ़ते पढ़ते बूढ़ा होते जा रहा है, पढ़ते पढ़ते बूढ़ा होते जा रहा है। मेरा भाई तो जरूर निकालेगा, याद रखना। निकाला आइंस्टाइन हो रहा है ना, आर्यभट्ट तो यही जन्मा है दूसरा भारत में, वो जन्म के चल गया है, वही आर्यभट्ट है, देखेंगे कैसे निकालेगा। चलो कान खोल करके, तुमको बहुत अच्छे से पढ़ना है और कुछ ना कुछ निकालना है, तब रिजल्ट जिस दिन दोगे ना उस दिन बहुत मौका बहुत कुछ जलेगा। हम कल जलेंगे। और सुनो यार, आज अगर ट्रेन है तो आज इसको भेज दो। दिमाग कोई बात नहीं समझ, तुम उसके पीछे क्यों पड़े हुए हो?
तो यार सोए पड़ेगा कहाँ, सोने होने का दिक्कत नहीं है घर में? उस वो अपने बहन के घर में आया है तो उसको क्या मतलब सोने और पढ़ने का दिक्कत होने लगा? बहन यहाँ सोएगा, यहाँ सोएगा, हम चल जाएंगे रोड पे, चल जाएंगे ना। कितना फालतू बोले जा रहे हो यार, मतलब दिमाग में मतलब कुछ भी सोच समझ के नहीं बोले जा रहे हो। सामने बैठा हुआ है मेरा भाई, लेकिन तुमको थोड़ा सा भी कट सी ना चीज नहीं है? देखो हैप्पी, हम मुंह फट आदमी है जो है, दिल का खुला आदमी है, मुंह के सामने बेइज्जत करते हैं, पीछे में दिल में कुछ भड़ास नहीं रखते हैं। इसीलिए हमको इससे क्लियर करना था कि देखो यार एग्जाम उग्जाम आए तो होटल अगला बार आना ना, तो बोल देना सासू माँ को कि 5-6 को 50 को 40 को पराठा लेके आना, कि हर दिन 4-4 को अपना व्यवस्था करना, टिफिन में रख के फ्रिज में रख के खाना, क्योंकि तेल मसाला आजकल महंगा हो गया है। ये बढ़िया था गुरु। क्यों पराठा वो बांध के लाएगा, उसकी बहन नहीं है? इसका बाप का क्या जाता है, जाता तो मेरा कमाई है ना। ये भगवान, तुम अब इसका रोटी और पराठा के बारे में तुम बोल रहे हो, तुम नाम का कुछ को शर्म नहीं आ रहा है? घर जाएगा तो क्या बोलेगा, और मम्मी पापा तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? सोचे हो कभी? अच्छा ना बोलेगा तो कम से कम लगेगा सास ससुर को कि हाँ दिक्कत है तो पैसा कौड़ी भेजवाएगा, इसी बहाने 2 को पैसा तो घर में आएगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। लालची आदमी, दिन भर लालच लालच लालच। छोड़े छोड़े, क्या छोड़े, देख रहे हो किसे कर रहे हैं, क्या क्या बोले जा रहे हैं, बताओ तो तुमको कैसा लग रहा होगा? इसको आज छोड़ दो, ये इसको मेरे तो, घर आया है। इसको क्या लगेगा आ? इसको क्या लगेगा, लाज रहता तो ये भी नहीं करता आज यहाँ, मुंह उठा के आ जाता है। जब जब यहाँ आता है एग्जाम देने, दीदी का घर है, ये है धर्मशाला खोल रही है फ्री में, तुम्हारे ससुर मायके वाला के लिए धर्मशाला है, मुंह उठा के कोई भी आता है, चचेरा मचेरा फुफेरा फचेरा सब दुनिया का आदमी, तुम यही बाव का अटारी है, अटारी बनाइए दिए हैं, बोला अब बोलती कितना हक से कि तुम्हारा घर है रहो। ये फंस गया सी है। तुम सही में लगता है तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, ठीक है, तभी तुम इतना सारा बात बोल रहे हो, तुमको एकदम शर्म नाम का कोई चीज नहीं आ रहा है? तुम क्या बोल रहे हो, हाँ बेचारा अभी एग्जाम दे के आया है, अभी 2 मिनट बैठा नहीं है, एग्जाम 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 लग रहा है, ऐसा बोल रहे लगता है कि पढ़ के झोर लगा देगा ही। इतना बड़ा पढ़लपूत है, एग्जाम एग्जाम ही कब नहीं देता है, महीना में 5 एग्जाम देता है लेकिन क्लियर का एग्जाम करता है। सुन रहे हो ना, और जो बोलते हो ना कि जीजू बहुत अच्छे हैं, देख लो जीजू का असली सच्चाई ये है, सच्चाई हम बोल रहे हैं, असली असली में ये है। आरओ का पानी देती हो, बिल उठा के आरओ के पानी के लायक तुमको लग रहा है? क्यों नहीं देंगे उसको आरओ का पानी, मेरे घर में आरओ नहीं लगा हुआ है क्या? रू अफजा दी हो, शरीर में खून का कमी था इसीलिए रू अफजा घोर के दे रही हो इसको। कोई खून का कमी नहीं है उसको, अपने आप को फिट रखता है, मेंटेन करके रखता है, ठीक है। आरओ का पानी क्यों नहीं पिएगा, अपने आप को देख रहे हो कितना फिट रखता है, ये नहीं है अदरक नहीं है कि कहीं से भी बढ़ा है, बढ़ते जा रहा है। तुम हमको बोल रही हो अदरक, हम तुमको अदरक जैसा लग रहे हैं, अपना भाईबा को सुडौल बोल रही है, हमको अदरक तो कैसी है, भाईबा को स्लिम फिट बोल रही है, हमको अदरक बोल रही है। आदमी ऐसा तो देखे नहीं किए बेचारा, इतना दिन के बाद आया, वो भी एग्जाम था इसका इसलिए आया भी। 15 दिन पहले तो आके गया है, इतना दिन के बाद तो बोरी लगता है कि 15 साल बाद आया। अभी तुम आए हो ना यहाँ 2023 में, अब डायरेक्ट 2033 में आएगा, अब इधर मत टपकेगा इधर। तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हें शर्म है कुछ शर्म आया है? देख रहे हो क्या क्या बोले जा रहे हैं, इनको थोड़ा सा भी शर्म है? ये भी झगड़िए मत बोलना, झगड़ा कारण तुम चल जाओ, अभी झगड़ा बंद हो जाएगा। बड़ा हरामी हो बेटा, दीदी तो बोली होली के बाद, तब हाँ बिल्कुल तुमको होली के बाद जाना है, अपनी बहन के घर आए हो। राम समझ गए हैं कि तुम फोन करके अपने घर में बोल दी हो कि सुहान खस्सी काट रहा है, ये सुनते हुए आ गया एग्जाम के बहाने। हमको लगता है होली से पहले, होली में दिने कितना है, 4 दिन होली में है, 4 दिन तक यहाँ पसर के खाएगा, और उसके बाद 5-6 भाई बहन सब तुम्हारा आ जाएगा, और सब मतलब एक खस्सी का मतलब टांग टंगड़ी सब बच जाएगा, मेरे लिए बस बचेगा सिंग हम खा के रहेंगे। और बनता है खसिया, उसे तो अचक का पिसवा इसके कटोरों में डाल देती हो भाई बहन लोग के, हमको दे देती हो हड़िया गुड़िया वाला पिसवा। तुम इतनी पशपात हो ना, मायके का नाम जब आता है ना तो पति को इतना साइड फेंकती हो ना, लगता है गधा के सर से ऐसे सिंह गायब हो गया ना, उसे हमको गायब कर देती हो अपने परिवार के सामने। आई लोग क्या आई, 15 दिन बाद आया। अब भाई देखो, भाई हम देखो इज्जत करते हैं तुम लोग का, लेकिन अब 2023 है, अब 33 में आना, अब 10 साल बोल दो, 10 साल नहीं आया। इज्जत करते हो, वही तो देख रहे कि कितना इज्जत तुम कर रहे हो। हाँ बेचारा 15 दिन के बाद आया, सोचो ना कि 15 दिन के बाद आ रहा है। 15 दिन तो ऐसे बोलियो लगता है कि 15 जन्म के बाद आया, 15 दिन के बाद आया है, एकदम सूंघते फोन कर इन लोग आना भी नहीं चाहता तो फोन करके बुला लेती है। भाई मेरा भाई तो बुलाएंगे नहीं क्या, किसी और को बुलाएंगे? मेरा भाई है बाबू, इसको पहले थोड़ा उधर रख लो, रख दो तो गिर जाएगा। और बताओ कि रात में क्या खाओगे?
क्या बना है? पनीर बटर मसाला बना दे क्या? सोच रहे थे नॉनवेज। नॉनवेज? हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं? नॉनवेज हम लोग ऐसा करेंगे ना, कहीं से ऑर्डर कर लेते हैं, ठीक है? तुम्हारा तो चिकन बटर मसाला रहेगा, ठीक है? और मेरा बिरयानी तो खाओगे ना तुम? हाँ बिरयानी कर देते हैं, दो तीन बिरयानी खा लेंगे, एक पैकेट तुम, एक पैकेट हम, और चिकन बटर मसाला। हाँ एकदम सही है, बेस्ट है। हाँ बिरयानी में हल्का भी बहुत ही अच्छा होता है। क्या क्या कहना कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? क्या कर क्या रही हो आप? बिना बिना फीस का दोनों वकील बने जा रही हो? हम नहीं है यहाँ बैठे हुए, मतलब उससे पूछ रही हो पनीर बटर मसाला, आ इसका देखो पेट कितना बड़ा है, ये बोल रहा है नहीं नॉनवेज सही रहेगा। वाह रे भाई बहन, आ तुम चिकन बटर मसाला, आ तुम बिरयानी, आ हम क्या बिर्यानी? हम भी बिरयानी, अब पैसा बाऊ भरेगा तुम्हारा। पैसा है मेरे फोन में। हाय मैं दोनों भाई बहन घागड़ है, ये तो खाते खाते मेरा आधा तनख्वाह उड़ा गई है, और नहीं बचता है, जो कुछ बच जाता है अकाउंट में तो बोला कि इससे उड़वाती है। देखो नहीं बोल रही है, सुनो सत्तू का भुरकुंडा और रोटी बनेगा, और उसके अलावा कुछ मंगाई, समझ रही हो? हम दोनों बाहर से खाएंगे, तुमको अगर सत्तू का भुरकुंडा मांगो तो पैसा दो ना, कैसे मेरे अकाउंट से कटता है पैसा? एक रुपया नहीं देने जा रहे हैं हम पैसा, मस्ती है। देखो नहीं देखने में लगता है पतरा पतरा, लेकिन खाने में कितना घागड़ है। देखो खाने के लिए तुम पागल हो गए, चिकन बटर मसाला से बात कर, क्यों ऐसे कर रहे हो? दिमाग नाम का चीज नहीं हो रहा है तुमको क्या? दिमाग नाम का चीज हो रहा है मतलब क्या है? चिकन बटर मसाला बोल तो रहा है कि जब से आया है बन गई हो मास्टर शेफ, कभी रू अब जा, कभी चाय, कभी पानी, अब बैठा नहीं है, अभी रात का प्लानिंग शुरू कर दी। तुम बोलती हो पनीर बटर मसाला तो ये बोलता है चिकन बटर मसाला, हर जोड़ी जुगलबंदी ये बात है। हम सत्तू का भुरकुंडा और रोटी बोल रहे की बचत हो, इतना दिक्कत है मेहमान है, इसका मतलब क्या कि इसको बोलेगा आसमान का तारा तोड़ के दे दे, तारा तोड़ देंगे? और तुम्हारा भाई है तो इसका मतलब क्या, जो मन तो खिला देंगे? तो अरे मेरा भाई है तो खाना नहीं खाएगा कुछ भी। खाना क्या सत्तू का भुरकुंडा रोटी नहीं होता है खाना, उससे पेट इसका नहीं भरेगा, इसके पेट में चिकन बटर मसाले जाएगा और तुम्हारे पेट में बिरयानी जाएगा। Oh, no. बहुत तेज बन रही है दोनों मिलके। बाप रे तुम सही में, पता नहीं तुमको क्या हो गया, तुमको थोड़ा सा भी नहीं लग रहा है सुहार कि मतलब घर में कोई आया है उसको कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है, उसका कैसे सत्कार किया जाता है? बताओ तुमको कुछ भी होश नहीं है? और इतना छोटा बच्चा है, 6-7 साल का हम लोग से छोटा है, मतलब तू भी तुम ऐसे करो, तुम जाते हो मेरे यहाँ तो कैसे एक पैर पे हमेशा नाचते रहता है तुम्हारे आगे पीछे? नाचते क्या रहता है, नींबू का चाय पिलाता है, बोलता है कि जीजा दूध फट गया है। मजा आया आए, उधर से तुम्हारी मम्मी बोलती है कि बोल दो जीजा को दूध फट गया है। और जब जाते हैं तुम्हारे यहाँ तो तुम वहाँ रहती हो और तुम्हारी मम्मी रहती है, मार्केट से आ रहे हैं, आ रहे हैं तो चिकनवा भी 1 kg लेते आइएगा, साला अपना पैसा का चिकन ले जाके वहाँ खाना पड़ता है। ये भगवान क्या जुलुम है? पहले था कि शादी जब नया नया हुआ था तक जाते थे, कभी कभी देखते थे ये लड़का ले आता था चिकन और तुम्हारी मम्मी और तुम लोग बनाती थी, अब तो पता चल जाता है कि मेहमान आ रहे हैं तो पहले ही फोन आता, मेहमान आ रहे हैं आज ही आ रहे हैं, खसी जरा कटवा के लेते आइएगा, तो मतलब हम ही ले जाए और हम ही बनवाए। वाह ये क्या पिलाता है, नींबू का चाय हमको पिलाया जाए? बार गए 1 महीना पहले गए थे, तुम मम्मी क्या थी, क्या तुम दी थी जी 1 दिन दूध का चाय तुम लोग नहीं दी, और क्या बोलती हो हेल्थ के लिए अच्छा होता है नींबू का चाय, मतलब हमारे घरवा में आके दूध का चाय पिलाती हो, खाना है रोटी तो खिलाती हो बिरयानी, और तुम्हारे घरवा पे हमको नींबू का चाय नसीब होता है, तुम ही लोग होशियार ज्यादा हो है? देख रहा ना, सुनो पैसा वैसा लेके आए हो पैकेट में? कितना 2-4 हजार रुपए है ना, तब है पैसा जी तो ऑर्डर करो ना जी, हम भी खा लेंगे, मेरे लिए भी एक प्लेट। छोटा होके हम लोग को खिलाएगा, शर्म नहीं आ रहा है तुमको? तो कहाँ लिखा है कि बड़े आदमी खिलाता है छोटा नहीं खिलाता है, कहीं लिखा था हुआ है क्या ऐसा? इसको हम 10 दिन पहले भी मेरा एक दोस्त बोला था तुम्हारा साला को देखे कि डेट पे गया हुआ था उधर, तो क्या हो गया? गया तो डेट में, आजकल सबको जाता है डेट पे, सबको जाता है। अब बोलती है SSC का तैयारी करता है, अभी यहाँ पैसा नहीं है लड़कियों खिलाने के लिए, 1,000 रुपए 2,000 रुपए रेस्टोरेंट में उड़ा देता है। ऐसे भी शादी के पहले इसके साथ घूमते थे, मेरा डोंगरी खाली कर दी थी, बोलती थी बहुत बड़े बाप की बेटी है, कभी भी रेस्टोरेंट का बिल नहीं आज तक भरी हो। कहां से बात को तुम पहुंचा रहे हो, तुमको थोड़ा सा भी होश है? होश में हो तुम देखो इसको बोलते आते आते तुम मेरे ऊपर आ गए। देखो ना हमको पीट रही हो तो कैसा भाई है, संस्कार भी नहीं की रोक सकता है भाई है। तो भाई खुशी लग रहा है, तो बहुत ही शरीफ है, वो तो दिख रहा है इसके शक्ल से, ठीक है? और तुम कैसे हो, तुम अपने आप को देखो, समझ में आया ना? तुमसे बोल तो रहे कि तुम बोल तो रहे आज तुम बिहेवियर क्यों हो ना मेरे साथ और मेरे भाई के साथ, बोल तो रहे अब ये आएगा ना हम लोग के घर, हम तुम भी उनके इनके साथ ना ऐसा ही करना, ठीक है? बहुत देख रहे हैं इनको, आया आया है तो प्रणाम पाती भी नहीं किया कि कोई संस्कार दिया है कि नहीं दिया है। मेरे घर में भी आती है तो मम्मी पापा को मेरे प्रणाम नहीं करते, वही संस्कार इसका है कि नीचे हमको लेने चल गए हम रोड पे कि खड़ा है, आके प्रणाम नहीं किया, हेलो करता है, सेकंड जी यू है, यही संस्कार दी हो, जहाँ पैर छूना चाहिए वहाँ ही गला मिलता है हमसे। अब बोलते हो तैयारी कर रहा है,
सच में हमको तो ताज्जुब होता है ना, किस बूढ़ा से मेरा शादी हो गया। ठीक है, इसको ना अभी भी प्रणाम प्रणाम, इसके पैर पे गिर के प्रणाम करो, बोल तो रहे आज के बाद से अभी से ना, अगर तुम मुझसे बात किए हो ना तो तुम समझ जाना। समझ में आया? बहुत देख रहे हैं इसको। सुनो बाबू, चलो ठीक है, तुम यहाँ पे क्या करोगे रह के इसके साथ में? चलो बाहर लेके जा रहे हैं इसको, क्या करेगा यहाँ पे रहेंगे तुम्हारे? अरे इधर आ, इधर साले साहब, इधर आइए, इधर आइए, बैठिए। अरे अरे बैठे, अरे 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 तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। इससे पूछो क्या, हम लोग मजाक कर रहे थे, प्रैंक था। तुम भी मिले हो, तुम भी मिले हो, इसको भी मिला लिए। अरे नीचे गए तो लाने थे, सब सेटिंग कर दिए थे, सोचे तुम पे कहीं प्रैंक बना लेते हैं। एक्टिंग बहुत अच्छा किया ही, बहुत अच्छा एक्टिंग किया। हैप्पी, कितने तुम लोग बदमाश हो, सच में ये तो है ही, लेकिन इसके साथ में ना तुमको भी बना दिया, नाटक करके रखते हो यार। अब कैमरा देखो तो ऊपर में छुपा दिए थे। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ये कजन है सोनल का और ये बहुत अच्छा एक्टिंग किया, बहुत अच्छा साथ दिया। थैंक यू सो मच।